तुमने मेरा गेम खराब कर दिया। ट्रेविस, मॉम तुम्हें बुला रही हैं। मैं आ रहा हूँ मॉम। तुमने पैकिंग कर ली? क्या तुम इंसान भी हो? तो मैं और क्या हो सकती हूँ? ट्रेविस, तुम क्या कर रहे हो? बैग कहाँ है? दादाजी इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो बच्चों? हेलो, एक मिनट रुको। मॉम, क्या मैं रिक के घर जा सकता हूँ प्लीज? नहीं, जाने का वक्त हो गया है। ये रहा तुम्हारा बैग। नहीं, नहीं आ सकता। मैं और विटनी दादा दादी के फार्म पर जा रहे हैं। यकीन करो, मुझे नहीं जाना है, पर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं नेचर के बीच में रहूं। कुछ भी हो। हे वायलेट, तुम उससे कुछ हफ्तों के बाद मिलना। ट्रेविस, तुम्हें प्रॉमिस याद है ना? कोई सेलफोन नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं। ओ, इसका मतलब कोई मजा नहीं। इस तरह मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आप समझ रही है ना? तुम जिंदा क्यों नहीं रह पाओगे? तुम्हें वहाँ खाना, पानी, रहने की जगह सब मिलेगा जिंदा रहने के लिए। मॉम, इतनी बेटा तुम सामान जाकर ट्रक में रख दोगी प्लीज? मुझे इस साल नहीं जाना है। आप विटनी को अकेले क्यों नहीं भेज देती? क्योंकि मैं चाहती हूँ। चलो चलें। नहीं जाना है मुझे। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि खुद फैसले कर सकता हूँ। कुछ हफ्तों की बात है ट्रेविस, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो मुझे हक दो। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलने को तैयार हो? पापा, आप कार ध्यान से चलाइएगा, ये कोई रेस नहीं है। तुम बस शांति से बैठना, मैं देख लूंगा। और हम चले। नहाना मत भूलना और दांत भी ब्रश करना और अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना। डकोटा से एक है। मुझे बस इंडियाना, कैंसस, मिसूरी और ओहायो से चाहिए, फिर मिडवेस्ट कंप्लीट। और तुम्हारे पास कितने स्टेट्स हैं ट्रेविस? तुम सच में बहुत बोरिंग हो और एक नंबर के खड़ूस भी। बहुत खड़ूस हो, कभी भी बात नहीं करते। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, समझ गए तुम? अब जरा चुप रहो प्लीज। एक सफर है सुहाना। क्या हम लोग पहुंच गए? ड्राइविंग के वक्त मैं कुछ नहीं सोचता। नहीं दादाजी, मैंने पूछा क्या हम लोग पहुंच गए। बस पहुंच ही गए। वो देखो, पॉल बनियन और बेब, आधी दूरी तय हो गई है। कितना बड़ा है ना ये बस। एक स्टैचू है। मुझे नहीं लगता ये रियल में था। हमने इनके बारे में स्कूल में पढ़ा था। ये दुनिया के सबसे बड़े लंबजैक थे। बस ये अमेरिकन लोगों की बनाई हुई कहानी है। ऐसा नहीं है। अगर किसी पर बहुत सारी कहानियाँ बनी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शख्स होता ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लोग महान किस तरह बनते हैं? जानते हो, जितना मुझे बड़े शहरों में जाने का शौक है ना, उतना ही शौक मुझे पुराने शहर में लौटकर अपनों से मिलने का है। डेलमर्ट, कैसी हो? हाय। जानते हो, बचपन से मैंने और तुम्हारी दादी ने डेलमर्ट में कोई चेंज नहीं देखा। अरे याद आया, खेत पर जाने से पहले हमें उसे भी तो पिक करना है। पिक करना होगा।
देखो इंतजार कर रही है। अगर मुझे फिर से कोई चटूटा हुआ नजर आए तो याद रखना मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। निहायत घटिया लोग हैं ये, जरा इसे तो देखो, वो बूढ़ा खूसट किसान अपनी सन की बुढ़िया बीवी को लेने आया है। आइरिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी सर, आप ही ने कहा था जब कमर्शियल आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। क्या? अगर आपको परफेक्ट डील चाहिए तो ब्लैंस फूड डिपार्टमेंट में कॉल कीजिए, आपको फायदा होगा बहुत सारा। ऐसे में तुम क्या लिख सकती हो? कुछ नोट सर, मुझे लगता है ग्राफिक कुछ बेहतर हो सकते हैं और आप उसमें पतले भी लग रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था नोट्स लेने के लिए, तुम्हें यहाँ सलाह देने के लिए नहीं रखा गया। आइरिस, ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा पहला हफ्ता ही आखिरी होगा। सर किस बात का पहला हफ्ता? यहाँ काम करने का। आइरिस, अब बुद्धि की बात पे आ जाओ, आज तुमने कितने क्लाइंट्स बनाए हैं? आज मैंने 20 फैमिलीज को कॉल किया है और आपको पता है उसमें से एक ने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है। मैंने ऑलेसन की फाइल को अरेंज कर रखा है। ऑलेसन जो ओ से स्टार्ट होता है। प्रॉपर्टी? सिर्फ एक प्रॉपर्टी? हाँ, मतलब ये कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी? आखिर यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं लगता सर यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ के लोग बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते हैं, उन्हें डेलबर्ट में रहना पसंद है सर। आखिर इसमें खुश होने की कौन सी बात है आइरिस? जवाब दो मुझे, डेलबर्ट काउंटी में क्या सिर्फ गवार उजड़ किस्म के लोग ही बसते हैं? बेताब वक्त में हमें बेताब शख्स की जरूरत है। हमें किसे फोन करना चाहिए? बॉब। बॉब? ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन, ओके ठीक है सर। एक क्वेश्चन है, वैसे ये ब्लैकस्टोन कौन है? मैं हूँ महान और रहस्यमय ब्लैकस्टोन। अब जरा मेरी हाथ की तरफ देखो। ये बात, अब मैं कमाल का ब्लैकस्टोन जब अपनी चुटकी बजाएगा तब तुम मेरे इशारों पर नाचोगे, मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। अब तुम हो एक मुर्गा। ओला बंदर रॉकस्टार। जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। जॉब की बॉस। पुराने ख्यालात की ना समझ लोग, उनमें टैलेंट को पहचानने की काबिलियत ही नहीं है। और कितने हफ्तों के लिए हमने ये वेन्यू बुक किया है? हाँ, उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया बॉस। भैया। हेलो मिस्टर ब्लैकस्टोन, मैं नॉम ब्लैंसफोर्ड ऑफिस से बात कर रही हूँ। मुद्दे की बात करो। वो आपसे मिलना चाहते हैं सर, उन्होंने कहा आपके लिए ये फायदे का सौदा है। आखिर कितना फायदा हो जाएगा? अच्छा चलो घर पहुंच गए, चलो अंदर चले। मैं अपने कमरे में रहूंगी। तो इस साल कौन से पुरस्कार की तैयारी कर रहे हैं दादाजी? सुनोगी, इस बार मैं एक बहुत बड़ी गोभी उगा रहा हूँ वहाँ, उसे दिखाने के लिए मैं कब से बेताब हूँ। लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर उगाया है बाहर, तुम जरा जाकर देखो तो सही। वो बाद में भी देख सकते हैं, इन्हें सामान अनपैक करने दो, आराम करने दो। ये धरना किस लिए है दादी माँ? ब्लैनफोर्ड नाम की कंपनी हमारे गांव पर कब्जा करना चाहती है और मैं विरोध कर रही हूँ। हाँ, क्या कहा? मैं ट्रेविस को विरोध के बारे में बता रही थी। क्या मतलब है, तुमने क्या चेक कर लिया? अरे नहीं, मैंने कहा प्रोटेस्ट। जानते हो ट्रेविस, तुम्हारी दादी माँ इस शहर की पहली कार्यकर्ता है। हाँ। दादी देखिए, पिछली बार से 3 इंच ज्यादा मेरी हाइट बढ़ गई है, मतलब अब मेरी हाइट 3.2 फीट हो गई है। है ना ये कमाल की बात? तुम्हारा टर्न ट्रेविस।
कोई बात नहीं, हर बच्चा अलग होता है। मैं ब्रश करने जा रही हूँ और उसके बाद सो जाऊंगी जैसा कि माम ने कहा था। अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है विटनी। पता है ना दादाजी क्या कहते हैं, जो जल्दी सोता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। रुको, जल्दी मतलब कितनी जल्दी? ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? बेटा इसे नापने के लिए तो टेप ही कम पड़ गया। माफ करिएगा दादाजी। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा ट्रैवल करोगे ट्रेविस? हमारे बिजनेस में ये तुम्हारा ऑफिशियल ट्रिप होगा। क्यों नहीं, मंडी के जनरल स्टोर पे जाओ और वहाँ जाकर उस गोभी का नाप लेना जो सबसे बड़ी हो। मुझे लगता है हमारे पास सबसे बड़ी गोभी है। ठीक है दादाजी। मेरी जान, तुम प्रॉपर शेप में बढ़ रही हो, यूं ही बढ़ती रहो। हे, कहाँ जा रहे हो तुम? दादाजी के लिए सामान लेने दुकान पर जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ? तुम मुर्गियों का ख्याल रखो। क्या? ऑफ कोर्स नहीं, उनके पास मैक्सिलरी और मैंडिबुलर चोंच होती है। क्या तुम पूछो? बाद में मिलते हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए ला सकती हूँ सर, जैसे काला खट्टा नींबू पानी या फिर एप्पल जूस? नॉर्मन से कह दो कि उसका भाई आ गया है। ओ, तो आप मिस्टर ब्लैंसफोर्ड के भाई हैं? लेमेंटेबली हाँ। अब क्या काम है आइरिस? आपके भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं सर। हेलो ब्लैकस्टोन, मुझे ब्लैकस्टोन कहो। स्टेज के बाहर भी क्यों? ये तो पागलपन है। यही है मेरा नाम। लेकिन तुम इतना बेस में क्यों बोल रहे हो? ऐसे तो अंग्रेज बोलते हैं, हम तो फिली के रहने वाले हैं जो चिल्लाकर बात करते हैं। ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा? फनी, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है। राइट, फाइन, ओके, मुद्दे की बात करते हैं। मुझे चाहिए उस पर कब्जा। वो पार्किंग लॉट? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मुझे वो प्रॉपर्टी हथियानी है। उस गेट के पीछे की सारी जगह, पूरा गांव और पूरे खेत। कुछ समझ में आया तुम्हें? समझ गया, मैं जा रहा हूँ। तुम ही मुबारक हो। रुको तो सही बाब। ब्लैकस्टोन नाम है मेरा, भूल गए क्या तुम? तुम जानते हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी रियल एस्टेट डील में। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इंटरेस्ट लूंगा? तुम एक सेकंड के लिए मेरी बात तो सुनो।
मैंने इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं। गुंडों से भी वो बिल्कुल नहीं माने। एक बुढ़िया तो खिलाफत में उतर आई है। मुझे वो गांव चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। तुम जो चाहो जादू चलाओ, अपनी उंगलियों पर उन्हें ऐसा नचाओ कि किसी भी तरह मेरी बात बन जाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जादू चलाऊं। चाहे जो करो, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? मैं हिप्नोटाइज करूं और लोग तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दें? हाँ, आओ, इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा। तुम पैसा दे पाओगे? हाँ? ये लो बेटा, और तुम्हारे दादाजी को कहना कि मैंने उन्हें गुड लक कहा है। जरूर मिसेस मंदी, थैंक्स। लोगों पे नजर रखना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही मिसेस मंडी हैं? हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? मैं आया हूँ ब्लैंड्सफोर्ड डेवलपमेंट की तरफ। मैंने पहले ही ब्लैंड्सफोर्ड को कह दिया था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये मेरा आखिरी निर्णय है। मुझे तो लगा था आप मान जाएंगे, शायद इसे देखकर आप मान जाएं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अब आप अपना नाम लिखकर यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ, यहाँ और यहाँ भी, प्यार से। याद रखिए, जब मैं अपनी चुटकी बजाऊंगा तो आप जाग जाएंगे, और इस डील के लिए आपको बहुत ही खुशी होगी। जॉब की बॉस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं डियर, थैंक यू तो आपको है। ये कौन है? रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। रुको रुको, तुम ऐसे आप देख क्या रहे हो? जाकर पकड़ो उसे। ठीक है बॉस, लेकर ही आना। कमाल कर दिया लड़के। हाँ? अरे नहीं, हेलो, आपका दिन शुभ हो, जल्दी मिलेंगे। ए, लड़के वापिस आओ यहाँ। तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, जाओ 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 यहाँ से। ओ, मुझे पता है तुम वहाँ ऊपर हो। Oh!
क्या कोई है यहाँ? आगे की लाइन तो याद नहीं है पर हड्डियां तोड़ने के बारे में है। आराम से दोस्त, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं और मेरे बकवास जोक्स, सॉरी काफी दिनों से मौका नहीं मिला था अपने बड़े मुंह से गाना गाने का। हे, तुम्हारे सर की चोट कैसी है? शायद ठीक ही होगी अगर तुम उस कुर्सी से नीचे उतर सके, बहुत बड़ी छलांग लगाई तुमने। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बढ़िया, मैं हूं पॉल, पूरा नाम है पॉल बनियन। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ पैनकेक्स बनाता हूं, सुनकर मुंह में पानी आ गया ना। तुम्हारा नाम क्या है? ट्रेविस, ट्रेविस बागले। तो ट्रेविस, मुझे लगता है तुम घर से काफी दूर हो। मुझे तुम एक बड़े पेड़ के नीचे बेहोश मिले पड़े थे और तुम्हारे पैरों के निशान से पता चलता है कि तुम उस खोखले पेड़ से फिसल कर यहाँ तक आए हो। सही कहा ना? लगता तो यही है। मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें वापस कैसे भेजना है। चिंता मत करो, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। आप सच में पॉल बनियन हैं? सही कहा। मैं आ रहा हूँ, तैयार हो तुम? ये क्या, एक छोटा लड़का? ये छोटा उस्ताद कहाँ से आया? ये मुझे जड़ के बाहर मिला। जड़ के बाहर? इसका मतलब ये तो सही समझे और ये फिर से वही वापस जाएगा इसका नाश्ता खत्म होने के बाद। पर ये यहाँ पहुँचा कैसे? मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अपना पैनकेक खा लो फिर तुम सवारी कर लेना। सवारी करवाओ? सच में मैं खच्चर थोड़ी हूँ। इतने दिन साथ रहने के बाद भी तुम मुझे अपने बराबरी का नहीं समझते। क्या करूँ, तो सवारी करवाओ। इसी वजह से मेरे पीठ में हमेशा दर्द होता रहता है। सच में यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगा था आप लोग एक कहानी है। ये मत कहना कि तुमने कभी बैल नहीं देखा। मैंने बैल देखा है पर बोलने वाला नहीं देखा। इतना बड़ा और ब्लू वाला तो बिल्कुल भी नहीं देखा। प्लस आपकी कहानियाँ बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आप लोगों को बूढ़ा हो जाना चाहिए था, जैसे 100 साल की उम्र की। विशाल है बच्चे, तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़े। हमारी जिंदगी भी 3 गुना ज्यादा लंबी होती है, इसीलिए तो मेरा चेहरा इतना हसीन है। वैसे ये कौन सी जगह है? इस जगह को लाल लदी का घाट कहते हैं। लकड़ी काटने का काम छोड़ के पॉल और मैं यहाँ रहने लगे, उस वक्त से हम दोनों तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं आए। जरूर कुछ बदलाव हुए होंगे बहुत, कुछ नया, कई आविष्कार, आधुनिक सुविधाएं। मतलब आजकल लोग मजे के लिए वहाँ कर क्या रहे हैं? मुझे नहीं पता, कई चीजें हैं। मतलब कैसी? तुम अपना वक्त कैसे बिताते हो वहाँ? मुझे मॉल में जाना पसंद है। क्या मॉल? वो क्या होता है, तुम वहाँ क्या करते हो? मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ और बस चिल मारता हूँ। तुम चिल करते हो? नहीं, वो चिल नहीं, वो ठंड वाला चिल नहीं, जैसे कि मजे करना। चिल आउट, दोस्त सुन के मजा तो नहीं आया, लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो ट्रेविस, मुझे ये बताओ तुम जड़ से गिरकर यहाँ कैसे आए?
वैसे मैं एक जनरल स्टोर गया था कुछ सामान लेने, फिर एक अजीब सा आदमी आया और फिर वो मेरा पीछा करने लगा और मैं भाग रहा था। भागते भागते मैं एक पेड़ के कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? क्यों? कौन थे वो? मुझे नहीं पता। मिसेस मंडी जो कि शॉप की ओनर है वो कोई पेपर साइन कर रही थी और वो अजीब सा आदमी कुछ अजीब सा बोल रहा था, फिर उसने मिसेस मंडी से हाथ मिलाया और फिर दूसरा आदमी मेरा पीछा करने लग गया। क्या तुम फिर से बता सकते हो? ये देखो, ओ, ये कितना बड़ा हो चुका है, तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता बिल्कुल सुरंग की तरह। चलो चढ़ना शुरू करते हैं। मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ तुम खुद कर सकते हो, पर सच तो यह है कि मुझे इस जंगल को फिर से देखना है। मैं यहाँ कई सालों के बाद आया हूँ और ये पेड़ कितने खूबसूरत है, यहाँ की हरियाली है ना बेब? रुकिए, मुझे लगा था आप लकड़हारे हैं और लकड़ियाँ काटते हैं। हाँ मैं पेड़ काटता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खूबसूरत जंगल पसंद नहीं, मुझे इन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू मिस्टर ब्लैकस्टोन, आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी थैंक यू। लड़का कहाँ है? वो भाग गया। क्या? मैं उसे पकड़ने वाला था बॉस। बेवकूफ, एक बच्चा तुम्हें चकमा दे गया बॉस। रुकिए बॉस, रुकिए मेरे लिए बॉस। वो रही दादाजी की बाइक। अरे नहीं, अब मैं दादाजी से क्या कहूंगा? उस इंसान का कोई सबूत जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? नहीं, वो गाड़ी चला रहा था। तुम्हारे दादा दादी का फार्म यहाँ से कितना दूर है? सुबह मुझे इतना दूर नहीं लगा था क्योंकि तब मेरे पास बाइसिकल थी। पॉल, 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 ये बच्चा सदमे में है। पहले इसका किसी ने पीछा किया जो अभी भी कहीं ना कहीं इसका इंतजार कर रहा होगा, और फिर इस बेचारे की इकलौती सवारी टूट गई। मतलब हमें इसे घर तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। मुझे तो यही एक रास्ता दिख रहा है पॉल। मुझे पता है क्या सही और क्या गलत है बेब। रुको, ये आवाज कैसी है? आखिर क्या है ये चीज? ये कैसी अजीब बदबू है? मुझे लगता है जब आप पिछली बार आए थे तब उनके पास कार नहीं थी। कार्स? हेलो, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं एक सेल्समैन हूँ मैडम, फ्लैशलाइट को लेकर मेरे पास एक बेहतर ऑफर है। मुझे यकीन है ऐसा ऑफर आपने नहीं देखा होगा। ओह जरा इसे तो देखो। ये क्या है दादी? ओ विटनी, यहाँ आओ और ये खिलौना देखो। नहीं, ये खिलौना नहीं है। अब कौन आ गया? ये आदमी कौन है? ये फ्लैशलाइट्स बेच रहे हैं। फ्लैशलाइट्स? ये काफी प्यारी हैं। दो के कितने होंगे? ठीक है, अब यहाँ पहले के जैसे हाथ गाड़ी नहीं होती है, अब बस कार्स है। देखो दूसरी वाली आ रही है, देखने में तो आरवी लगती है। ये आरवी कौन है? ओ नहीं, वो लोग तुम लोगों को देखकर डर जाएंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब वो आप लोगों को देखकर शॉक हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत विशाल हैं और आप बात कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। सुना बेब, अपना मुंह बंद रखना। वेल, लेकिन इतने बड़े शरीर का क्या करूं? ऐसे करना। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझ पर भरोसा रखिए, पलक मत झपकिएगा, सांस मत लीजिएगा, उन्हें लगेगा हम स्टैचूज हैं। वो भला ऐसा क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपके और बेब के स्टैचूज हर जगह पर हैं। स्टैचूज? ओ देखो वहाँ, वो कितने असली लग रहे हैं। हमें रुककर उनके साथ पिक्चर लेनी चाहिए। हमने कई जगह पर अलग अलग पॉल बनियन की पिक्चर्स ली है,
और कितनी निकाल लें तुम्हें? चलो भी सेम पॉल बनियन के साथ हमने पिछले बार फोटो निकाली थी। ये कितने असली लग रहे हैं, और ये छोटा वाला कौन है? क्या पता कोई फेमस होगा, तुम बस पिक्चर्स लो हनी। कोई हिलना मत, सब स्माइल करो। अब क्या करें, मोती कहाँ गया? चांद रहो, तुम्हारी मम्मी फोटो ले रही है। सभी थोड़ा अच्छे से हंसो। ओके ठीक है, सब गाड़ी में बैठ जाओ, हमें आगे जाना है। देरी हो रही है। ठीक है डैड। अब तो बस भी करोगे, भागो। ये बोल रहा है, अब भागो। हाँ ओके ओके, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम लोगों को मेरी बेइज्जती से बहुत मजा आया। लेकिन मुझे यकीन है पॉल, तुम्हारा स्टैचू आउट हाउस के बाहर कोई नहीं लगाता होगा। वो रहा मेरे दादाजी का फार्म हाउस। कोई बात नहीं, अब जल्दी से जाकर अपने दादाजी को उन आदमियों के बारे में बताओ, वो खतरनाक हो सकते हैं। जरूर, यहाँ पहुँचाने के लिए थैंक्स। क्या हम और थोड़ी देर यहाँ नहीं रुक सकते? मुझे थोड़ा घूमना है। नहीं देव, हमें वापस जाना चाहिए। कभी तो मान जाओ पॉल, तुम हमेशा जिंदगी का मजा खराब क्यों कर देते हो? वाह, आओ 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 आओ। मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया बच्चे। आओ आओ आओ। अब तुम्हें क्या हो गया है? आओ मेरी पीठ, आओ आओ मेरी पीठ, लगता है मोच आ गई है। आप यहाँ रुक कर आराम कर सकते हैं। परफेक्ट। क्या मैंने कई दिनों से इतना भारी वजन नहीं उठाया पॉल, मुझे अंदाजा नहीं था ये इतना भारी होगा। क्या तुम अपने जिगरी दोस्त बेब को आज की रात यहाँ आराम करने दोगे? बस आज की रात, कल हम वापस अपने घर जाएंगे, मेरी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। घर के पास वाले छोटे घर में आप रह सकते हैं, और मैं दादाजी से नहीं कहूँगा। चलो भी पॉल, मेरे पुराने दोस्त, प्लीज। सॉरी, मुझे काफी देर हो गई। क्या बस इतनी? मैंने एक दुकान में एक अजीब सा आदमी देखा, फिर उसके दूसरे आदमी ने मेरा पीछा किया, फिर मैं भागते भागते जंगल गया और साइकिल भी टूट गई। ये देखकर तो मजा आ गया, पर तुम थोड़ा धीरे बोलो, दादी माँ सो रही हैं और तुम्हारा भी आराम का वक्त हो गया है, तुम भी पूरा दिन घूमते रहे हो। ये इतना है तो ये उससे इतना बड़ा होगा। पूरे 6.5 फीट का फर्क है। मेरा सपना पूरा हो गया। शायद आपको भूख लगी होगी, मैं फ्रिज से सारा सामान ले आया। ट्रैविस, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझे अपने साथ शहर घुमाने नहीं ले गए, और यकीन नहीं होता कि तुम समय पर नहीं आए। दादाजी को अकेले गोभी ट्रक में चढ़ानी पड़ी, तुम्हें पता भी है उसका वजन कितना है? विटनी सुनो तो, मैं नहीं रहूंगी। उस गोभी का वजन 10,000 किलो 500 ग्राम था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। ये है मेरी बहन विटनी। विटनी, ये तो बहुत लंबे हैं। ये तो जायंट है। अब जायंट है? वैसे ये है पॉल बनियन। ये है बेब। माय प्लेजर। ये बात कर सकता है? हाँ, बात करने वाला ऑक्स। नीलो बेल। ओके, रुक जाओ प्लीज। पता नहीं तुम मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हो, पर ये फनी नहीं है। वो अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो 15 फीट लंबा है, और जानवर कभी बात नहीं करते। विटनी, ये पॉल बनियन और बेब है। बोलने वाला नीला बेल। ये कहानियाँ काल्पनिक है ट्रैविस, समझ में आया तुम्हें? मतलब एक मिथ जिस पर हम यकीन करने लगते हैं, समझे? दादाजी कहते हैं ऐसी कहानियाँ सच्चाई पर आधारित होती हैं, जैसे डेवी क्रॉकेट, वो रियल में था। डेवी क्रॉकेट,
क्या किसी ने पूछा तुमसे डेवी क्रॉकेट के बारे में? मुझे डेवी क्रॉकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रही हूँ उन दो जायंट्स की, जो उन्हें दादाजी के झोपड़े से निकालो अभी। विटनी, तुम हमारी मदद कर सकती हो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ उस जायंट आदमी और उस ऑक्स की? बोलने वाला नीला बैल, नीला बैल। बेब को दर्द हो रहा है और तुम इन चीजों में काफी माहिर हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं फर्स्ट एड के बारे में जानती हूँ, इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम स्मार्ट तो हो। सच है? क्या तुम एक बार उसे देखोगी प्लीज? तुम इतनी बड़ी चीज का क्या करने वाली हो? प्लीज इसे थोड़ी देर तक मुंह में रखो। मत मानना छोटू बेटा, लेकिन मुझे लगता है हमें शहर जाना चाहिए, जहाँ कोई अच्छा सा डॉक्टर स्पेशल केस हैंडल कर सके, जैसे मेरा केस। तुम कहीं नहीं जा रहे हो बेब। तो फिर मैं शायद जल्दी मरने वाला हूँ। तुम्हें बस पीठ में थोड़ा सा दर्द है, तो इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा आराम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। तुमने दादा दादी को उन पीछा करने वालों के बारे में बताया? बताने गया था, पर तब तक वो सो गए थे, और कल मेले का आखिरी दिन है और उन्हें सुबह जल्दी उठकर जाना है। तुम्हारा पीछा कर रहा था? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? बस इतना ही, पूरी दोपहर के बाद भी इतना ही। तुम तो आयरिस से भी गए बीते हो। इन कामों में वक्त लगता है, इसके अलावा हमें कुछ मुश्किलें भी आई थी। आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दरअसल जनरल स्टोर में मुझे एक बच्चे ने देख लिया था, गौस्टव ने पीछा भी किया मगर वो भाग गया। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है, जितनी वसीयतें लानी थी तुम नहीं लाए हो। मुश्किल ये भी है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील हाथ से निकल चुकी है। जनरल स्टोर में किसी ने तुम्हें देखा, ये कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए? आखिर तुम उन जमीनों पे कब्जा क्यों चाहते हो जबकि ये देश तक तुम्हें पसंद नहीं है? बात पसंद ना पसंद की नहीं है, मुझे इन पे कब्जा चाहिए बस। मेरे बड़े से प्लान का ये छोटा सा हिस्सा है, समझे? कितने अमीर हो तुम, बेशुमार दौलत है। अपने बड़े से प्लान के बारे में अब तुम्हें मुझे बताना होगा, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। सोच लो। ठीक है, पहले वापस आ जाओ बॉब। बॉब नहीं हूँ मैं, ये है मेरा बड़ा प्लान जिसमें दुनिया को तुम मेरी नजर से देखोगे। बड़ा सा मॉल। हाँ, ये तो फैक्ट्री जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, ये एक मॉल है और एक फैक्ट्री है। दुनिया का सबसे पहला ऑटोमेटिक शॉपिंग मॉल और एक्सपीरियंस, इसका नाम है बनियन वर्ल्ड। इसका नाम पॉल बनियन रखा है। यकीन मानो, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अजूबा होगा। सोच के देखो, हजारों कारों में लोग बैठ कर चले आ रहे हैं। यहाँ कोई डिसाइड नहीं करेगा कि उसे क्या खरीदना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। सारी मशीनें कंप्यूटराइज होगी, कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, सारी कमाई मेरी होगी। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो मैं उधार दूंगा आसानी से, ललचाने वाला क्रेडिट। वो सब के सब मेरे कर्जदार बन जाएंगे और मेरा उन पर हक होगा। समझे? तुम्हारी ये चालाकियां देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अलग हैं। अगर मैं गलत नहीं तो तुम लोगों को सपने दिखाना चाहते हो जिनके लिए तुम महंगे गैजेट्स पर डिपेंड करते हो, जबकि मैं अपने नेचुरल टैलेंट हिप्नोटिज्म पर। लेकिन फिर भी ये हिप्नोसिस ही कहलाएगा। पार्टनर्स बनना अच्छी बात है। अब ये बताओ, हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसी के लिए तो मुझे डेलबर्ट की जमीन चाहिए। ये डेलबर्ट मेरे सपनों के शहर के बीचों बीच आ रहा है। मेरा सपना तभी पूरा होगा जब सारी जमीन और ये सारे लोग मेरे अपने कब्जे में होंगे। ये सब मेरे रास्ते में खड़े हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें इन सबको एक साथ हिप्नोटाइज करना होगा। ऑफ कोर्स,
मेरे लिए ये चुटकियों का काम है कि मैं सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकूं। ये मैं कर लूंगा। आप इतनी दूर बस ट्रैविस को छोड़ने आए? हाँ सही कहा। अच्छा मुझे ये बताइए आपने ये जगह छोड़ी क्यों? जब मैं जवान था मुझे वो पेड़ मिला जिसने मुझे तुम्हारी दुनिया तक पहुंचाया। मुझे हर जगह देखनी थी, आसपास सब कुछ दिलचस्प हो रहा था, सभी लोग देश के विकास में लगे हुए थे। बेब और मैं उस माहौल में घुल मिल गए थे। मेरा कद मेरे लिए वरदान था और बेब के लिए भी। हम इंसानों के मुकाबले ज्यादा काम कर सकते थे इसलिए लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश थे। हमें खुद की तारीफ सुनना अच्छा लगता था इसलिए हम वहाँ कुछ दिन रुक गए। फिर सब कुछ बदल गया। मशीनें आ गई, लकड़ियाँ काटने वाली मिल खुल गई, बड़ी बड़ी मशीनें, पेड़ों को ज्यादा तेजी से काटा जाने लगा और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने सारे जंगल को काटा गया। काटे गए पेड़ों की जगह मैंने नए पेड़ लगाने की शुरुआत की। मुझे यही सिखाया गया था पर कई लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि मैं उनके विकास के बीच आ रहा हूँ। वो लोग अलग थे, वो बहुत लालची थे और ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया और इसलिए एक दिन मैं वहां से चला गया। मैंने अपना एक्स उठाया और घर की तरफ रवाना हो गया। और दुख की बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चला कि हम वहां से चले गए हैं। ये सच नहीं है, सच उसके बारे में मत भूलिए, यकीन मानिए वो हर जगह लगे हुए हैं। और हमने आपके बारे में स्कूल में भी पढ़ा था। तुमने स्कूल में हमारे बारे में क्या पढ़ा? आप बहुत सारे पैनकेक्स खाते हैं और आपने कई विशाल झील और घाट बनाए हैं। क्या? ये क्या बकवास है? झूठ मत बोलो, तुम हमेशा पैनकेक्स दबा के खाते हो बेबी। नहीं, दूसरी चीजों की बात कर रहा था। वो तुम्हें ये सब स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं? ये बात तो सबको पता है कि बड़ी घाट और विशाल झीलें करोड़ों साल पहले बनी थी इरोशन और टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से। मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। मैंने इस बारे में लंबी लंबी कहानियाँ सुनी है पर आप उनमें से सबसे लंबे हो। लंबाई की कहानी? हाँ। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आखिर किस तरह मैं सब लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करूंगा? सोचो नाम, सोचो। आज की खास खबर, सुन मैं डेवलपर नौ प्लान स्पॉट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये लोग तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। वो डेल्बर्ट देश में कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खरीदने का कारण क्या है इसका वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेके एक महिला ब्लाइंड स्पॉट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। क्या? उस बूढ़ी औरत को ये लोग एयर टाइम दे रहे हैं? क्या मजाक है ये? ये कैसे हो सकता है? नॉम ब्लैंसफोर्ड कभी नहीं बताते कि वो इस जमीन पर क्या बनाना चाहते हैं और ऐसा क्यों? ये नियम के खिलाफ है और मुझे उस पर रख। हमें जल्दी कुछ करना होगा। खास न्यूज़, डिल्बर्ट मेले में सबसे बढ़िया जानवरों की बोली लगाई जाएगी और ये सिर्फ कल शाम तक ही रहेगा। इन छोटे लोगों को भी बराबरी का दर्जा चाहिए। गुड नाइट ट्रेविस। विटनी थैंक्स इतना सब कुछ करने के लिए। श्योर, नो प्रॉब्लम, सुबह मिलते हैं। ये क्या है? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? किसी चीज की वजह से मेरे दांत वाइब्रेट हो रहे हैं। बेब, तुम्हें क्या हो रहा है? आपने ऐसा क्यों किया? वो तो बस एक एरोप्लेन था। एक एरोप्लेन? इसका मतलब लोग अब उड़ भी सकते हैं? एक्चुअली आसमान में ज्यादा चमकने वाले सब तारे नहीं होते, वो दरअसल प्लेन्स होते हैं। कितने सारे बदलाव हो गए हैं, लगता है हमारा गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। रात खत्म होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डर सा गया हूँ। हो गई यार, तुम तो खटारा फैक्ट्री से भी ज्यादा आवाज कर रहे हो, मुझे ठीक से सोने भी नहीं देते।
लाइट है। वाह क्या नजारा है, सच में बहुत खूबसूरत है, मतलब दूर से देखने से जुगनू जैसा लग रहा है। ओह हाहा, गुड इवनिंग लेडीज, बता सकती हो क्या वो डेलबर्ट शहर है? क्योंकि अगर वो है तो मैं कई सालों से वहाँ नहीं गया, मतलब करीब 100 सालों से। कई सालों पहले वहाँ के रास्ते खराब थे और लकड़ियों के ढेर पड़े रहते थे। तो हसीनाओ, तुम यहाँ कितने सालों से हो? मेरी आज यहाँ आखिरी रात है और मैं पहाड़ियों के उस पार एक खास जगह पर रह रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, ओह माफ करना मोहतरमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, तुम लोग आराम करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ओके ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, शांत हो जाओ भाई, ये गलती से हुआ, कभी कभी गलतियां हो जाती है, आओ निकल ले भाई वरना कहीं काम से। भागते रहो, बस भागते रहो, भागते रहो। जान बच गई, लाख लाख शुक्र है, बहुत प्यास लगी है। किसी ने मेरी गोभी को देखा है? ओ वॉल्टर तुम भूल जाते हो, तुमने पहले ही ट्रक में रख दिया। क्या कहा है? तुमने ट्रक में रख दिया है, ट्रक में रख दिया है। बॉल लो बच्चा, तुम घूमने जाओ, मैं और तुम्हारी दादी गोभी के कंपटीशन में जा रहे हैं, तुमसे बाद में मिलेंगे, चलो। विट्टी मुझे कवर करो ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो? पॉल वो शायद जाने वाला था पर अभी तक गया नहीं है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, इसका मतलब वो आसपास ही है और मुसीबत में है। ट्रेविस अगर वो मुसीबत में है तो तुम क्या कर सकते हो, वो पॉल बनी है और तुम सिर्फ 12 साल के। प्लीज विट्टी थैंक्स, पॉल। ट्रेविस मुझे तो लगा था कि तुम मेले में गए हो। मैंने आपकी सीटी सुनी, क्या ठीक है? आप क्या कर रहे हैं? पैरों के निशान ढूंढ रहा हूँ, बेब गायब है। क्या लगता है उसे जाकर थोड़ी देर हो गई है? मैं आपकी मदद करूंगा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ अगर मैं मुसीबत में नहीं पड़ता तो आप यहाँ नहीं आते और बेब इस तरह गायब नहीं होता, बताए क्या? मैं आपकी मदद करूंगा और आप मना नहीं करेंगे। अरे ये क्या हुआ? ओ नहीं, दरअसल मैं सोच रहा था अगर मैं इतनी बड़ी भीड़ को हिप्नोटाइज करने जा रहा हूँ तो मेरी फीस ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? 5 साल की कमाई में तुम्हें एक ही बार में दे रहा हूँ, इससे ज्यादा तुम क्या चाहते हो? बराबरी की पार्टनरशिप और क्या। बराबरी की? होश में आओ, अब क्या है, क्या चाहती हो आयरिस? एक्सक्यूज मी सर, पर आपको चलकर देखना होगा। अगर कोई बड़ी खबर ना हुई तो याद रखो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। क्या
आखिर ये है क्या? खेतों में काम आने वाले जानवरों के बारे में भला मैं क्या जानूंगा? क्या ये जिंदा है? बदकिस्मती से जिंदा है। इट्स ओके, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आयरिस, किसी को बुलाओ, उससे कह दो कि मेरी प्रॉपर्टी से इस जानवर को ले जाए। पर सर, इसे पशु चिकित्सक की जरूरत है। मेरी तरफ से बाहर में जाइए, जाओ। इतना बड़ा सांड मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या कहा तुमने? मैं इस बड़े सांड की बात कर रहा था। क्या? ओह अच्छा, हाँ ये तो एक बैल है, मगर मुझे लगता है ये एक सांड है, है ना? एक मिनट रुको, कोई मत हिलना। आरिस, हिलो मत, सांस भी ली। You're fired. I think I finally got it. I've figured out how we can do it. This ought to be interesting. We're talking about this ox. We're taking this ox to the county fair. And why on earth would we do that? Because we're going to prop him up, paint him blue, and make him an attraction. We'll say he's Babe, the great blue ox. This is Minnesota, for crying out loud. The entire town will want to check him out, and they'll all be at the fair already. It's perfect. Yes. Yes, that might actually work. बढ़िया, यहाँ पर क्या मिला तुम्हें? जैसे मैंने कहा था। क्या? बढ़िया। तुम्हारा मतलब? हाँ। उसके पैरों के निशान बहुत बढ़िया ट्रेविस। ओ बेचारा, किसने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है? लोग सच में कितना गलत काम करते हैं कभी कभी। वाह, काफी देर से मैंने इसे रोक कर रखा था। ओह ओह, अब जाकर मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। तुम बोल सकते हो? अब ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो बोलूंगा ना। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? तुम ब्लैंसफोर्ड कंपनी में हो। ओके, अच्छा ये जगह ट्रेविस के घर से कितनी दूर है? I'm sorry, मुझे नहीं लगता ट्रेविस नाम का यहाँ कोई आदमी है। मैं आयरिस हूँ। वेल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आयरिस, मैं बेब। क्या तुम वही हो, बेब द ग्रेट ब्लू ऑक्स? वही हूँ। तुम सच में वो हो? मेरा मतलब बेब। हाँ, सभी यही बुलाते हैं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे हुआ क्या था? क्या तुमने वहाँ का पानी पिया था? हाँ, मैं आधे से ज्यादा पानी पी गया। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक था, जहरीला था। जहरीला पानी? हाँ, बस अब बहुत हो गया, अब जाने का वक्त आ गया है। ये क्या हो रहा है? मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा है? मैंने तो ये देखा ही नहीं। ओ, ये कितना डरावना है। मैं चाबी लेकर आती हूँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, पर कभी कभार मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, जैसा मुझे अभी लग रहा है। मुझे निकालो यहाँ से। जोर लगाओ। यहाँ इतनी भी ताजी हवा नहीं चल रही है, लेकिन बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है। चुप हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें सुन लेगा। मुझे लगता है वो मिस्टर ब्लैंसफोर्ड है, मेरे पास। एक बार अगर सारी जमीन हमारे हाथ आ गई तो हम कंस्ट्रक्शन कब से शुरू कर सकते हैं? हम मत कहो, कंस्ट्रक्शन मैं शुरू करूंगा, जमीन मिल जाए बस। और तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत दे दी जाएगी और तुम्हें वापस जाना है जहाँ तुम्हारी दुनिया है। जमीन की सफाई करने में कितना वक्त लग जाएगा? हो सकता है 6 महीने, लेकिन ये बताओ तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं चाहता हूँ ये थोड़ा जल्दी हो जाए। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, ये देखो। अरे नहीं, तुम्हें मेरे दोस्त पॉल को ढूंढना होगा। पॉल? ये कौन है? मुझे ढूंढता ही होगा। ओ तेरी, वो मिलते ही मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। कुल्हाड़ी कहाँ है? अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें जल्द से जल्द पॉल को ढूंढना ही होगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ठीक है, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा, मैं उसे ढूंढती हूँ। तुम्हें सीटी बजाना आता है? बहुत हो गया, अब इसे निकाल दूंगा। ओहो, ये भाग रहा है। Oh!
मेरी बेहोश करने वाली बंदूक कहाँ है? मैंने कर दिखाया, अब भी मुझ में जान है। किसने मुझ पर? तुमने इसे मार डाला? अफसोस मत करो, ये सिर्फ बेहोश हुआ है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? अब ये बताओ, हम इसे मेले में आखिर कैसे ले जाएंगे? ये तो बहुत भारी है। रिलैक्स, मैंने इंतजाम कर लिया है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है, हमें यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। हम यहाँ से मीलों दूर तक देख पाएंगे। वहाँ क्या है? शायद ये वही कंपनी है जिसके लिए मेरी दादी माँ विरोध कर रही है। काश कि मैं भी आप जितना बड़ा होता। क्यों? तो मैं बड़े कारनामे कर सकता, जैसे ट्रेन को उठाना, या किसी बड़ी बिल्डिंग से कूद जाना, या उस आदमी से डरता नहीं जो मेरा पीछा कर रहा था, या पूरी फुटबॉल टीम को हरा देता। बड़ी चीजें करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। बेब, बेब। एक्सक्यूज मी मिस, आप ऐसे सीटी क्यों बजा रही थी? उसने कहा था कि आपको ढूंढने का यही एक तरीका है। मुझे लगता है आप ही पॉल बनियन है, है ना? सही कहा, यह है ट्रेविस और आप। हेलो, मैं आइरिस इंग्रम हूँ। बेब ने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। जैसे आप उसे ढूंढ रहे हैं, वो भी आपको ढूंढ रहा है, और वो चेन से पूरा बंधा हुआ है। एक मिनट, धीरे बोलो। बेब बेडियो में है? हाँ, मिस्टर ब्लैंडफोर्ड के गैराज में। हमें उसे छुड़ाना होगा। मिस्टर ब्लैंडफोर्ड कौन है? वो मेरे बॉस हैं। नहीं, वो मेरे बॉस थे। मैंने छोड़ दिया है, ऑफिशियली नहीं छोड़ा है, पर मैं छोड़ दूंगी। मैंने पिछले हफ्ते यहाँ काम शुरू किया था, पर उन्हें लगता है मैं अच्छा काम नहीं करती हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लोगों को ही खेत नहीं बेचने हैं, और मुझे भी ये ठीक लगता है। अब मिस्टर ब्लैंडफोर्ड अपने भाई को भी यहाँ ले आए, और वो साथ में काम करेंगे। और बोलो आइरिस, आई एम सॉरी। हमें बेब के पास ले चलोगी? हाँ, मैं ले जा सकती हूँ। क्या तुम इसी वक्त हमें ले जाओगी? हाँ, चलो चलते हैं इस तरफ। ट्रेविस कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो आम, 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 वो बड़े झूले पर गया है। हाँ, उसे वो बहुत पसंद है। वो काफी रोमांचक झूला है। अब मैं देख कर आती हूँ कि वो ठीक तो है ना। बाय। वो चला गया, उन्होंने उसे यहीं पर बांध रखा था चेन से। क्या हुआ? लगता है वो यहाँ से भाग निकला है। कोई और जगह है जहाँ वो जा सकता है? वो उसे मेले में लेकर जाने वाले थे। बेब को देखो, और जोर से, और जोर से। देखो इस बेब को, महान नीला वो भी जिंदा। आपकी शो में लीजिए उस शो के फ्री टिकट्स फैन के लिए, द ग्रेट ब्लू ऑक्स। मुंह बंद कर दो इसका, ताकि ये हमारी पोल ना खोल सके। जल्दी पेंट मिल गया तुम्हें? तो फौरन रंग दो इसे। उनका सारा प्लान यहीं से शुरू हुआ। ये क्या है? ये मॉल है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ घूमने जाते हैं। शहर कहाँ है? मेरा जंगल कहाँ है? उनका प्लान है वो सब कुछ जला देंगे। देखो, ये मेरे दादाजी का फार्म है। क्या तुम्हारे दादा दादी ने फार्म उस आदमी को बेचा है?
नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्हें ये जगह बहुत पसंद है। यहाँ कोई अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता। तो वो सभी की प्रॉपर्टी कैसे लेने वाला था? और उसके बाद मेबल आपको यहाँ साइन करने हैं। यहाँ जब मैं अपनी चुटकी बजाऊंगा तो आप जाग जाएंगे और इस डील के लिए बहुत फक्र महसूस करेंगे, बहुत खुश होंगे। वो सभी एडवर्टाइज है, यही तो ब्लैक स्टोन ने उस जनरल स्टोर में किया था और इसी तरह मिसेस मंडी से उसने सिग्नेचर करवाया था, इसलिए वो मेरा पीछा कर रहे थे। अगर मेले में सब लोग इकट्ठा हो जाए तो ब्लैक स्टोन सबको एक साथ ही हिप्नोटाइज कर देगा, इसीलिए उन्हें बेब की जरूरत है। पॉल, हमें कुछ करना ही होगा। क्या आपने कभी ब्लैंसफोर्ड की कार चलाई है? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा धक्का देने वाला हूँ, ठीक है? ज्यादा जोर से धक्का मत देना, मुझे टू व्हीलर के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है तो चलो सीधे मेले में जाएंगे आयरिस। सबसे बड़े प्राइस की, और इस खेल का थर्ड प्राइस जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे कुछ कहने का मौका दें प्लीज। सब लोग ध्यान दें, आज की रात वो रात है जिसे आप हर रात याद रखेंगे, क्योंकि आज रात आप हिस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। आपकी आंखें उस नायाब जानवर पर जम जाएंगी जिसे लोग कहते हैं एक महान। ट्रेविस कहाँ है? वो ये सब मिस कर रहा है। मुझे यकीन है वो थोड़ी देर में आ ही जाएगा दादी। आप लोगों को कह पाएंगे कि आप उस महान जानवर से मिल चुके हैं? बिल्कुल नहीं। भीड़ भाड़ से भरे इस मेले में, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पेश करते हैं वो बहादुर, वो महान नीला ऑक्स। क्या बात है, देखो तो। ट्रेविस, कहाँ हो तुम? ओह, मैं ड्राइविंग नहीं जानती, लाइसेंस भी नहीं है। ये क्या था? संभल कर, आराम से, आराम से। वो तो एक्सीलरेटर का पेडल है। रुको, ये मेरी साइकिल से ज्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। राइट 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 राइट, आराम से। ये है वो हकीकत जो स्टेज पर आने वाले हर दर्शक के लिए एक सपना थी। देखिए, इसे हर तरफ से देखिए, इसकी मुद्रा को गौर से देखिए, अपनी आंखों को इसके रंग पर जमा दीजिए। गौर से देखेंगे इसे तो आपको एक सूरज की किरण नजर आएगी जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी, आपके दिमाग को पूरी तरह साफ कर देगी, शांत कर देगी। आप यकीन नहीं करेंगे पर ये सच है। पॉल बनियन नाम है उसका। हाँ, वो हमारे पीछे ही थे, आपको नजर नहीं आए? नहीं। हमें जल्दी से जल्दी मेले में पहुँचना होगा, हमें हिप्नोसिस को रोकना होगा, बेब को बचाना होगा। बेब? बेब, द ग्रेट ब्लू ऑक्स ऑफ कोर्स। यहाँ साइन कीजिए, बिल्कुल यही। नेक्स्ट, यहाँ साइन करना है आपको। नेक्स्ट, बहुत खूबसूरत साइन है आपके। नेक्स्ट, यहाँ साइन कीजिए, चलिए। नेक्स्ट, दादाजी यहाँ साइन कीजिए, यहाँ। नेक्स्ट, ये आप लोग क्या कर रहे हैं?
दादी मैं हूँ विटनी। आखिर बात क्या है? आप गलती कर रहे हैं, हमें मेले में जल्दी जाना होगा। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं ये सब नहीं जानता, क्योंकि बनियन और बेब सिर्फ कहानियाँ हैं जो मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूँ। ये पिछले सदी का है, कभी ओवर स्पीडिंग के लिए उन्हें फाइन नहीं लगा था। सच कहूँ तो ये नया है। रुकिए, सुनिए। वो कौन है? तुम लोग यहाँ हो? अब तुम क्या करना चाहते हो? जवाब साफ है, मुझसे होशियारी नहीं। बैठ दो मुझे। देखो तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, वो सारी वसीयतें मुझे दे दो। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। कई साल तक मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, मैंने हमेशा तुम में एक डर देखा है, और आज रात वो डर सामने आ जाएगा। सच्चाई ये है कि मैं हमेशा से बहुत ही स्मार्ट रहा हूँ, और तुम एक बेवकूफ जिसका तुम्हें आज तक एहसास नहीं हुआ, पर आज हो जाएगा। इस लम्हे का मुझे इंतजार था। आज रात हम दोनों के एहसास बदल जाएंगे, पहचान भी बदल जाएगी। सीधी सी बात है कि तुम मैं बन जाओगे और मैं तुम बन जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कोई इस बात को समझ पाएगा। तुम समझे क्या? आज से मैं हूँ नौमन, और तुम एहसास रखो कि तुम मैं हो, पूरी दुनिया और अपने कामों में भी। कह दो कि तुम समझ गए मेरे भाई। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। गुड बाय। कहाँ है सब लोग? ट्रेविस, पॉल, यहाँ इस तरफ। इन लोगों को क्या हुआ? सब लोग हिप्नोटाइज्ड हैं। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बताओ ब्लैंसबर्ड और ब्लैकस्टोन कहाँ है? एक वहां पर है और दूसरा भाग गया। पॉल, शेरिफ, मैं देखता हूँ, मुझे बताओ दूसरा कहाँ है। ट्रेविस, दादा दादी ने खेत के पेपर्स पर साइन कर दिए। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे वो शब्द याद करने पड़ेंगे। कौन सा शब्द? जिससे ब्लैकस्टोन मिसेस मंडी को होश मिला आए थे, वही वर्ड्स। मैंने सुने थे पर मुझे याद नहीं आ रहे हैं। जॉब बीजा ऐसा ही कुछ। एक्स कहाँ है? याद करने दो। याद करने दो। क्लॉडी कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? अब ये मत कहो कि एक मिनट मुझे सोचने दो, सोचने दो। क्लॉडी, तुमने उसे खो दिया? मैंने उसे खोया नहीं है। पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने जहरीला पानी पिया, मुझे गोली मारी गई, चैन से बांधा गया, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चला गया। तुम मुझे डांट रहे हो। तुम जाकर उस एक्स को ढूंढो और मैं जाकर ब्लैंडस्पॉट को ढूंढता हूँ। जाओ आग लगा दो। चल चल चल, स्टार्ट हो। हे बॉस, रुकिए मेरे लिए बॉस। सामने से हट जाओ। जानते हो तुम कहां जाने वाले हो? सीधे जेल में। पॉल बनियन, क्या कह रहे हो? बनियन, ये वक्त मुझसे बदला लेने का नहीं है, बल्कि जलते लोगों को बचाने का है। समझे मेरी जान, जो दिख रहा है वो अब नहीं रहेगा। बॉस, रुकिए। थैंक यू। सबसे पहले इसे रुको। ये तो पॉल बनियन है। ये सिर्फ एक कहानी का किरदार है। कायर कहीं का धक्का लगाओ। सब बॉस की, सब की, सब बॉस की। ट्रेविस, जल्दी सोचो। याद कर रहा हूँ।
ओ नहीं, अब हम क्या करेंगे? याद है मैंने क्या कहा था ट्रेविस? बड़ा काम करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। लोग वहां फंसे हैं, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। काउंटी फायर डिपार्टमेंट वाले रास्ते पर हैं, पर उन्हें पहुंचने में वक्त लगेगा। शब्द याद नहीं आ रहे, कोशिश करते रहो। पॉल तुम कहां जा रहे हो? लो ये काम आएगी। उन्होंने इसे ट्रक के पीछे फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बोला था मुझे बस एक मिनट दो सोचने के लिए। या बेब, शुक्रिया। जॉब की बॉस, जॉब की बॉस। काम हो जाता क्योंकि उसे वर्ड याद आ गया है। टीम बार दादाजी, दादी माँ, उसने आपको हिप्नोटाइज किया था ताकि आप पेपर्स पर साइन कर दें। वो यहाँ बड़ा सा मॉल बनाना चाहते हैं। छोड़ना मत उन्हें, ये बात है। आ गया लालची बंदर, आ गया जिसने भाई को धोखा दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। ओ, देखो तू, हाँ ये वही है। ये सच में वही है? बर्बाद हो गए हैं, फिर भी ये सबूत के लिए काफी है। वही नाम है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसने तो बर्बाद कर दिया। अब बोलने से कुछ नहीं होगा, दोनों के जुर्म बराबर है। मुझे पेट से एलर्जी है। ओ, मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा। हेलो हेलो, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ बेब। सॉरी, एक बार फिर से। तुम्हारे होटल में डर लग रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू, शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आया। मिस्टर बनियान, आपने हम सबको बचाया है और हमारे शहर को भी। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? मदद करना अच्छा लगता है। आपके पोता पोती ने भी बहुत हिम्मत से काम लिया। तो अब जाने का वक्त आ गया है। मुझे भी यही लगता है। मुझे बाय बाय कहना नहीं आता। ऐसा तो ठीक से हेलो करना भी नहीं आता। गुड बाय विटनी। बाय पॉल, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आपकी कहानी झूठी नहीं है। जानते हो ट्रेविस, तुम्हारी वजह से ये सारे लोग सुरक्षित है। आज रात हमने कमाल कर दिया है ना पॉल? हाँ, सही कहा, बहुत कुछ किया। बाय बाय पॉल और देव।
लिए पार्सल आया है। क्या है क्या है क्या है उसमें? ये आयरिस ने भेजा है। क्या कह रही है वो? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं? ओके। दूसरा किसकी तरफ से है? दूसरा किसकी तरफ से है? क्या हुआ? ओह कम ऑन पॉल, अब सस्पेंस मत बढ़ाओ। ये ट्रेविस और विक्टी ने भेजा है। देखो इस साल उनके हैलोवीन में कौन आया था। ओह इससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है। Started talking and wouldn't you trip if on two legs he was walking. I was in the barn, happy and willing, till I looked up at the house and I got these feelings. Oh, oh.